नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि एक बार फिर से रणबीर पर जो हमला करवाया था आलिया ने, आखिरकार उसकी पोल जल्दी ही खुल जाएगी। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि रणबीर और प्राची को ये तो पता चल गया कि वो हमला कर कोई पैसे लूटना या ज्वेलरी लूटना नहीं था उनका मकसद। उनका मकसद सिर्फ प्राची से जो कि मंगलसूत्र लूटना, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि मंगलसूत्र का जो किसी को ताना मारा था वो आलिया और रिया को था, और आलिया रिया के अलावा ऐसी कोई गंदी साजिश कर ही नहीं सकता। रणबीर खुद जानता है कि प्राची से सबसे ज़्यादा अगर कोई नफरत करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आलिया और रिया ही हैं। लेकिन दोस्तों, जब रणबीर पर वार हो चुका है और वार होने के बाद में वो पूरी तरीके से घायल हो गया है, लेकिन प्राची ने रणबीर को जो कि हॉस्पिटल में एडमिट करा तो दिया है, लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद में प्राची से उसकी बहन सना यानी बोलती हुई नज़र आती हैं कि प्राची आप क्यों इतनी मन्नत कर रही हो, क्योंकि जिसे मन्नत करनी चाहिए, जिसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए वो रिया हैं, क्योंकि रिया के सबसे ज़्यादा करीब जाते हैं ना रणबीर। उसके बाद में प्राची एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है अपनी बहन के मुंह पर, जो कि उससे बोलती हुई नज़र आती है कि तुम्हारी सोच वाकई में गलत है, क्योंकि रणबीर कहने के लिए सब ये लगता है कि वो रिया के पास है, लेकिन रणबीर का दिल और मैं रणबीर की पूरी तरीके से हूँ, क्योंकि रणबीर जो कि रिया को नहीं बल्कि मुझे चाहता है। और ये बात दोस्तों सच्चाई है कि रणबीर प्राची के लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है, क्योंकि रणबीर वाकई में प्राची से बेइंतहा प्यार करता है। और प्राची की अगर बात की जाए तो प्राची कहीं ना कहीं रणबीर से इतनी ज़्यादा क्लोज हैं कि वो भी उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। तभी तो जब बात रणबीर पर आई तभी प्राची को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, और गुस्सा आने के बाद में उसने अपनी बहन पर हाथ उठा दिया। हालांकि उसके बाद में अपनी बहन से वो सॉरी बोलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि उसे पता है कि हर दुख दर्द में उसकी बहन ने काफ़ी साथ दिया है। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा गाइज कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके जरूर